मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में चैत्र हिंदू नवरात्र के पावन दिन मां नर्मदा के गौरी घाट में देश का दूसरा और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा केसरिया ध्वज लहराया गया। इसके अलावा जबलपुर शहर में करीब 50,000 ध्वज भी घर घर में जाकर लगाए गए। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में चैत्र हिंदू नवरात्र के पावन दिन मां नर्मदा के गौरी घाट में देश का दूसरा और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा केसरिया ध्वज लहराया गया। इसके अलावा जबलपुर शहर में करीब 50,000 ध्वज भी घर घर में जाकर लगाए गए। जानकारी के मुताबिक देश का सबसे बड़ा केसरिया ध्वज महाराष्ट्र के मुंबई में फहराया गया है। मां नर्मदा के गौरी घाट में हुए भव्य कार्यक्रम के समय सैकड़ों भक्त भी मां नर्मदा के तट पर मौजूद थे। वात्सल्य सेवा धाम गुरुदेव अभिषेक जी के सानिध्य में जैसे ही 121 फीट का केसरिया ध्वज मां नर्मदा के गौरी घाट में लहराया गया तो हर जगह जय श्री राम की गूंज उठी। कार्यक्रम में मौजूद हर किसी के मुख से जय श्री राम ही निकल रहा था। इस केसरिया महोत्सव में सैकड़ों की संख्या में नर्मदा भक्त भी मौजूद थे। केसरिया ध्वज से सजा मां नर्मदा के गौरी घाट में युवक युवती ढोल नगाड़े बजा रहे थे। आज लोगों ने विश्व का पहला धर्म ध्वजा की स्थापना जबलपुर संस्कार धानी में 121 फीट ऊंची है केसरिया ध्वजा की स्थापना की गई है। इसमें आज यहाँ उपस्थित सभी लोगों को बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ और व्यक्त करता हूँ और ऐसी ध्वजाएं पूरे देश में हर जिले में स्थापित की जाएं, ऐसी मेरी कामना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हिंदू नववर्ष की आप सभी को पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस केसरिया ध्वज से क्या संदेश देना चाहते हैं? केसरिया ध्वज सदैव ही हिंदुत्व का प्रतीक रहा है, तो हिंदुत्व में जो आपसी भेदभाव चल रहे हैं वो खत्म हो और हिंदू हिंदू हो एक, ये मेरी कामना है। अखंड भारत समर्थ भारत के लिए क्या योजना है? अखंड भारत समर्थ भारत, सारे हिंदू एक हो जाएं, भारत अखंड हो जाएगा और अपने आप समर्थ हो जाएगा। क्या ये विश्व की दूसरी धर्म ध्वज है? जी हाँ, ये विश्व की दूसरी और भारत की प्रथम है, क्योंकि केसरिया ध्वजाएं बहुत हैं लेकिन धर्म ध्वजा विश्व की प्रथम है। ये ध्वज लगाने का रिकॉर्ड बना बन गया है लगभग, और अभी संघात का रिकॉर्ड के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और अभी हम स्वस्ती वाचन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब कार्यक्रम थे आज के हमारे भी, और आप सभी के माध्यम से मैं पूरे भारत में कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि भारत में हिंदू एक होना अनिवार्य है। सब हिंदू एक हो जाए, भारत अपने आप समर्थ और सक्षम हो जाएगा। जय हिंद, जय श्री राम। हर्ष और आनंद का विषय है, आज चैत्र नवरात्र का प्रथम दिवस है। माँ जगत जननी की सब आराधना कर रहे हैं, हिंदू नववर्ष का प्रथम दिवस और माँ नर्मदा का किनारा, और ऐसे में पूरा वातावरण भरमा हुआ है। सनातन धर्म को मानने वाला हर व्यक्ति अपने आप को आनंदित और हर्षित महसूस कर रहा है कि संस्कार धानी जबलपुर के माँ नर्मदा के इस तट पर आज 121 फुट ऊँचा भगवा ध्वज फहराया जाएगा जो मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा होगा। पूज्य आइए, देखिए हम चाहेंगे स्वस्ती वाचन मार्गदर्शन में ये हो रहा है, हम सब व्यवस्थित रूप से वॉलंटियर्स मिलके वहाँ पर स्वस्ती वाचन हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा, और आइए वो हमेशा अखंड हम कंटिन्यू अक्षुण बनी रहे। 3-4 मिनट में हनुमान चालीसा करेंगे क्योंकि राम का नाम लेना, हनुमान जी का नाम लेना है, उस सब के साथ मिलजुल कर रहे। अब प्रभु श्री राम की, माँ नर्मदा की और जगत जननी माँ जगदम्बा की कृपा सबके ऊपर बनी रहे और इस नव वर्ष में जिस जो आज शुरू हो रहा है, जिसके मन में जो इच्छाएं हैं वो इस माँ नर्मदा के तट पर प्रभु आशीर्वाद से जरूर पूरी हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ।